सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत दुर्गा नगर इलाके में लगी भयावह आग घटना में 4 घर जलकर राख। सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत दुर्गा नगर इलाके में शनिवार शाम एक घर के अंदर से निकली एक छोटी सी चिंगारी तबाही का कारण बन गई। आगजनी में 4 घर जलकर राख हो गए। दरअसल शाम के समय जब सब कामकाज में व्यस्त थे, उस समय अचानक दुर्गा नगर इलाके के बीच से काला धुआं निकलते लोगों ने देखा, जो मिनटों के अंदर आग के लपटों में बदल गया। धीरे धीरे ये आग पास के घरों तक पहुँच गयी, जिससे लोग दहशत में आ गए। इस बीच स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश शुरू की, तभी एक के बाद एक कुल 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सूचना पर सिलीगुड़ी से दमकल की 2 इंजन मौके पर पहुंची और आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू की। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भयावह आगजनी में करीब 4 घर जलकर राख हो गए। आगजनी में परिवार के सर से छत छिन गया। घटना की सूचना पर वार्ड पार्षद राजेश प्रसाद साह उर्फ मुन्ना भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। वार्ड पार्षद ने कहा कि 4 घर में आग लगी थी, इस दौरान 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुई है। स्थानीय लोगों की तत्परता और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग से एक्सीडेंट था, आग लगा था। 4 छोटा छोटा घर था जो भाड़ा दिए हुए थे यहाँ के जो ऑनर का, और 2 सिलेंडर फटा है। वो लोग खाना बनाने का जो सिलेंडर होता है वो फटा है। आसपास के लोग सभी लोग मिलकर पहले से आग को बुझाओ, ताकि फायर ब्रिगेड भी आए, प्रशासन आए, सभी लोग। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ मेरे वार्ड वासियों को। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई कैजुअलिटी नहीं, नुकसान नहीं हुआ। वो जो डेरा का टीना का घर था वही जल गया है, कुछ सामान जले हैं, लेकिन वैसा कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं। हाँ, आग लगने के बाद ही सिलेंडर पता है, आग के कारण ही पता है। आसपास में लोगों में पैनिक है, बहुत आग ऊपर तक जा रहा था। मुझे जब सूचना मिली सेंसर हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, साथ ही में उसी टाइम मैंने पहुँचा हूँ। देखा आसपास के सभी लोग, वार्डवासी सभी लोग मिल के आग बुझाने का काम किया। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ जगह है जहाँ टर्निंग वर्निंग पर हमारा फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहा है। हम लोग देखेंगे कि ये फायर ब्रिगेड हर जगह हम लोग का कैसे ढूंके। टर्निंग पे जिसका जगह है, जिसका जमीन है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि टर्निंग पर थोड़ा अगर आप लोग स्पेंड कर दे, तो हम लोग सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से वहाँ रास्ता चौड़ा करके हर जगह हम लोग का ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी ढूंढे, ये व्यवस्था करने का हम लोग चेष्टा करें। 2 दमकल के इंजन आए थे। समय क्या है, जलपाईगुड़ी से आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम लगा, लेकिन फ़ोन करते ही वो लोग वहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे हम लोग तब तक यहाँ पे अंडर कंट्रोल हो गया था। वो लोग भी आके मेहनत किए हैं। सभी को मैं धन्यवाद। पर कैसे आग लगा ये तो नहीं बता पाएंगे, पर आग बहुत भयंकर था। अगर सही टाइम में अगर यहाँ का जो इतना समाज का जो एक एक आदमी को आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन लोग जो इसको मेहनत करके बंद किया। हमको जहाँ लगा सिलेंडर पानी से नहीं बुझता, सिलेंडर हमको पता है कि वो सीज फायर से बुझता। हम तभी सीज फायर लेके और ये चक्की का बोरा ये सब चीज़ थोड़ा मेरे को प्रैक्टिस है, क्योंकि हम गैस सिलेंडर में काम भी करते हैं, मेरा खुद का गैस का काम है। तो इस हिसाब से हम उसको पहले ही बंद कर चुके थे जब ये आने से पहले। पर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था बहुत गंदा तरीके से। उसका ब्लास्ट इतना भयानक था कि एक एक किलोमीटर दूर का जितना भी सिलेंडर था सब अपना घर से लेकर भाग रहे थे। पर ऐसा कुछ होता नहीं, आप पैनिक मत होइए। जहाँ गैस सिलेंडर हुआ उसके आसपास का रेंज जो है उसको खाली करिए। आपको अगर लगता है कि आपको कोई दिक्कत होता वो करिए। आप एक एक किलोमीटर का दूर लेके भाग रहे तो आप सबको पैनिक कर रहे हैं। आप कैसे करके बताइए, आप ये सुनिए कि एक ही दिखा पर दो क्रिटिकल अवस्था में था जो पड़ जाता अगर सही टाइम पर नहीं आते। तो लोग यहाँ आए ना दौड़ के तो देखे वो 4 तल्ला में आग लगा हुआ था। फिर दौड़ करके गए, पहले उसका पर्दा उर्दा नोच नाच करके शीशा उसा फोड़ करके उसका आग बुझा करके नीचे जब देखें तो देखते हैं पूरा मैंने आग धर्रा हो रहा है। फिर वहां से आकर के इधर का पूरा बुताएं, सिलेंडर वलेंडर खींच करके निकाले। उसके बाद जो है दमकल वाला आने के बाद फिर सारा पब्लिक को बाहर निकाल करके फिर आग को कंट्रोल में किया गया।